हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा पाँचवीं के व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए विलोम शब्द को शुरू करते हैं। सबसे पहले अशब्द विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा, एक दूसरे के विपरीत होना। तो गुण अवगुण, समाप्त आरंभ, इच्छा अनिच्छा, चतुर मूर्ख, बनना बिगाड़ना, जन्म मृत्यु, उपस्थिति अनुपस्थिति, संधि विग्रह, दायां बायां, मालिक नौकर, देसी विदेशी, प्राचीन नवीन, कीमती सस्ता, धनी निर्धन, ज्ञान अज्ञान, आदान प्रदान, विष अमृत, एकता अनेकता, शुक कृष्ण, मुख वाचाल, रक्षक भक्षक, सभ्य असभ्य, शीत उष्ण, साक्षर निरक्षर, मुख्य गौण, यश अपयश, सार्थक निरर्थक, सामाजिक असामाजिक, जीवन मृत्यु, तुच्छ श्रेष्ठ, वरदान अभिशाप, उचित अनुचित, धूप छाया, नूतन पुरातन, निर्मल मलिन, सुख दुख, मानव दानव, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, अत इति, मुलायम कठोर, चंचल स्थिर, उठना बैठना, अपेक्षा उपेक्षा, स्वतंत्र प्रतंत्र, पक्ष विपक्ष, आग्रह दुराग्रह, बंधन मुक्ति, उच्च निम्न, खरा खोटा, आहार निराहार, संयोग वियोग, मंगल अमंगल, गर्मी सर्दी, दानी भिक्षुक, जड़ चेतन, महात्मा दुरात्मा, सदाचार दुराचार, हर्ष शोक, सुमति कुमति, कृत कृतन, सोना जागना, ज्ञात अज्ञात, ठोस तरल, आकाश पाताल, मितव्यय अपव्यय, विधवा सद्वा, उत्तम अद्म, खेद प्रशंसा। तो ये क्या हमारे विलोम शब्द थे जो पूरे हो गए हैं। अब हम इस विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत या विरोधी होना। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। कल हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। इसकी परिभाषा क्या थी? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो ये हमारे विलोम शब्द पूरे हो गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।